रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं। उन्हें दर्शाकर हम उन्हें और भी अधिक सूचनात्मक बना सकते हैं, जैसे उनकी भौतिक अवस्था कैसी है, उनमें ऊष्मा का परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है, गैस निकलना, अवक्षेपण का बनना और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ। तो पहला देखते हैं भौतिक अवस्था को अभिव्यक्त करना। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए पदार्थ की भौतिक अवस्था को उनके सूत्रों के साथ लिखा जा सकता है। जैसे पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है, 3, ठोस, द्रव और गैस, तथा जलीय विलयन को भी हम AQ से दर्शाते हैं, जो पूर्णतः लिक्विड नहीं होता है परंतु जल के साथ किसी पदार्थ का विलयन होता है। तो गैस को जी से दर्शाते हैं, द्रव को एल से और ठोस को सॉलिड अर्थात एस से, वहीं जलीय विलयन को AQ से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम सूत्र लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, 2PbNO3 ट्वाइस एस, यह सॉलिड है तो इससे 2PbO सॉलिड बना अर्थात ठोस, 4NO2 बना जो गैस है गैसीय अवस्था में है, और O2 बना जो भी गैसीय अवस्था में है। वहीं ऊष्मा में परिवर्तन को अभिव्यक्त करना। ऊष्मा क्षेपी क्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम समझ चुके हैं। तो ऊष्मा क्षेपी क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन गैसीय है, ये दोनों के संयोग से CO2 गैसीय अवस्था मिलती है और ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है, तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। परंतु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के लिए हमें ऊष्मा यहाँ पे देनी पड़ती है, तभी अभिक्रिया करते हैं तो और 2NO गैस का निर्माण करते हैं, तो यह हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा Q को उत्पादों की ओर अभिव्यक्त किया जाता है, यहाँ उत्पादों के साथ लिखा गया है। वहीं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अवशोषित हुई ऊष्मा की मात्रा को माइनस चिन्ह के साथ अभिव्यक्त किया जाता है, यहाँ ऊष्माक्षेपी में प्लस साइन के साथ दिखाते हैं और ऊष्मा शोषी में माइनस साइन के साथ। तीसरा, गैस के निकलने को अभिव्यक्त करना। यदि अभिक्रिया में कोई गैस मुक्त हो रही है तो इसे ऊर्ध्व तीर के साथ इस प्रकार दर्शाया जाता है, निशान से अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे ZnS सॉलिड है प्लस H2SO4 का जलीय विलयन, इसमें ZnSO4 का जलीय विलयन बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, तो इसे इस प्रकार से दिखाया गया है। वैसे ही चौथा, अपक्षेप का बनना। इसको अभिव्यक्त करने के लिए हम गैस में गैस मुक्त होती थी तो ऊपर का तीर का निशान बनाए थे, वहीं अवक्षेपण के लिए नीचे की तीर का निशान लगाते हैं। जैसे AgNO3 बना जो जलीय विलयन, और NaCl के जलीय विलयन को जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl का अवक्षेपण बनता है और NaNO3 का जलीय विलयन। विभिन्न परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने के लिए, कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत सी परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को भी दर्शाना होता है। इन्हें दर्शाने के लिए हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, जैसे 6O2 गैस प्लस 6H2O पानी, मतलब यहाँ प्रकाश का संश्लेषण की अभिक्रिया दर्शाई जा रही है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अभिक्रिया सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 का जलीय विलयन और 6O2 गैस बाहर निकालता है। तो यहाँ पे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल एक परिस्थिति थी जिनका होना आवश्यक था, इसलिए इन्हें तीर के निशान के ऊपर तथा नीचे लिखा गया है। उसी प्रकार हमने AgCl का भी अभिक्रिया देखा था, जब चांदी सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं
तो AgS और Cl2 गैस बनती है। इसी प्रकार विभिन्न इस अध्याय में हमने सभी जितने भी समीकरण पढ़े हैं उन्हें भी अधिक सूचनात्मक बनाकर आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर, और हमने इस अध्याय से क्या क्या सीखा यह बताया गया है। कुछ प्रमुख कीवर्ड हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।